हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं अनुराधा, एक टैरो कंसल्टेंट। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूं वो एक स्पेशल स्विच वर्ड के ऊपर है। बहुत ही अमेजिंग स्विच वर्ड है ये। जो वीडियो है ये मैं आपको बताने वाली हूं स्विच वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी अगर आपकी आइटम खो गई है, यू नो, कोई भी चीज़। कई बार बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम वॉलेट कहीं पे रख के भूल जाते हैं, फ़ोन कहीं पे रख के भूल जाते हैं, या हमारी कोई ना कोई डायमंड रिंग, गोल्ड रिंग कहीं पे खो जाती है, हमें पता नहीं चलता। कितनी बार ऐसा होता है हम घर में कोई चीज़ ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलती है, एंड बाद में पता चलता है घर पे ही होती है, यू नो। या फिर कोई भी चीज़ आपकी खो गई है, उसके लिए आज मैं ये स्विच वर्ड लेके आई हूँ। बहुत ही अमेजिंग पावरफुल स्विच वर्ड है। एंड जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं वही स्विच वर्ड और एंजल नंबर लेके आती हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको मेरा एक काम करना है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके। और मैंने स्विच वर्ड के ऊपर और भी वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। सो मोस्टली अगर आपको पता है कि मैं स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको देखिए। आई एम श्योर यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दोज वीडियोस। एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ वो स्विच वर्ड कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्विच वर्ड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये इनके बहुत सारे टेस्टिमोनियल आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड जैसा मैंने आपको बताया हुआ है मेरी पुरानी वीडियोस में भी कि मैं आपको जो शेयर करती हूँ ये मैं आपको ब्लू आयरस सोर्स से शेयर करती हूँ, जो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत ही आई विल से उससे बहुत सारे फीडबैक्स एंड टेस्टिमोनियल्स हैं, और वो ही शेयर करती हूँ जो मैंने भी ट्राई किया है। सो मैं ऐसे ही आपको ये नहीं कि कहीं से देखा और बता दिया, मैं खुद भी ट्राई कर चुकी हूँ। तो अगर आपके मान लीजिए इस कोई भी चीज़ ऐसी है जो खो गई है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, उस सिचुएशन में आप ये स्विच वर्ड यूज कीजिए। और ये स्विच वर्ड है क्रिस्टल रीच। कैसे आपको लिखना है, प्रोनाउंस करना है, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्रिस्टल रीच, मान लीजिए आपके कोई डॉक्यूमेंट है, नहीं मिल रहा है, या फिर मान लीजिए कोई आपकी गोल्ड चेन है। मोस्टली जो मैंने एक्चुअली पढ़े हैं टेस्टिमोनियल्स, वो लिटरली लोगों ने लिखा था कि उनकी गोल्ड चेन खो गई है, घर में मिल नहीं रही है, वॉलेट खो गए, नहीं मिल रहे। एंड ट्रस्ट मी, लिटरली ऐसा हुआ कि लोगों ने इसको चैंट किया, एंड उसके बाद जिसने, फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता है मेड ले लेती है, या कई बार होता है कहीं पे आप यू नो कोई लेके चला जाता है, उस पर्सन ने उनको रिटर्न किया है। ये मैं आपको एक्चुअली वही बता रही हूँ जो मैंने टेस्टिमोनियल्स पढ़े हैं, तो ये इतना काम करता है। आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई भी चीज़ खो गई है, नहीं मिल रही है, तो आपको इसको चैंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी की खो गई है, कोई भी घर की की या गाड़ी की चाबी अगर आपकी खो गई है, आपको क्या करना है, पहले वो इंटेंशन क्रिएट करना है कि जैसे आपकी वो चाबी मिल गई है, यू नो, एंड आप उस चाबी से अपनी मतलब चाबी आपके वो की जो है आपको मिल गई है, एंड आप उसको जो भी गाड़ी की है तो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने वो इंटेंशन क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपको उसको चैंट करना है, क्रिस्टल रीच की, क्रिस्टल रीच की, ऐसे करके आपको उसको चैंट करना है। एंड आपको इसको करते रहना है जितना बार करेंगे। बहुत लोगों को इसके रिजल्ट जो है कई बार तो विद इन सेकेंड्स मिले हैं। मतलब लिटरली आई वॉज रीडिंग वन टेस्टिमोनियल, एंड उसमें उस पर्सन ने लिखा था कि उसकी की गाड़ी की चाबी जो थी वो नहीं मिल रही थी, दैट पर्सन हैज चेक्ड एवरीवेयर इन द हाउस, उसके नहीं मिल रही थी। उसने उसके बाद इस चैंटिंग ये करना स्टार्ट किया, एंड कुछ सेकंड के बाद ही उसने, यू नो, होता है ना कई बार चीज़ों को ऑलरेडी दो दो तीन तीन बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसने एक ड्रॉवर में चेक किया जो वो ऑलरेडी पहले दो तीन बार चेक कर चुका था, उसी ड्रॉवर में उसको मिली। सो दैट इज द पावर ऑफ दीज स्विच वर्ड्स। कि आपको ना कई बार क्या हो जाता है, जब भी आप कोई चैंट करते हैं तो यू नीड टू बी वेरी ओपन कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आपको आ रहे हैं। समटाइम्स नो हम चैंट करें, सडनली एकदम लगता है कि यार एक बार मैं शायद उस ड्रॉवर में चेक कर लेता हूँ दोबारा, या शायद मैं, यू नो, वहाँ पर चेक कर लेता हूँ, यू नो, ये चीज़ होती है ना। तो आपको अपनी इंट्यूशन को, अपनी इनर वॉइस को ध्यान रखना है कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है। तो ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड स्विच वर्ड है फॉर योर लॉस्ट आइटम। कोई भी अगर आपकी चीज़ खो गई है, कोई भी अगर मान लीजिए आपका ऐसी है डॉक्यूमेंट है जो आप कहीं मिसप्लेस हो गया है, चैंट दिस वर्ड क्रिस्टल रीच के आगे आपको वो लगा देना है। जैसे मान लीजिए आपका वॉलेट खो गया है तो क्रिस्टल रीच वॉलेट, या की है तो क्रिस्टल रीच की, या फिर अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है तो क्रिस्टल रीच डॉक्यूमेंट, ऐसे करके आपको उसको चैंट करना है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड जब तक नहीं मिल जाता आप इसको करते रहिए।
विद फेथ के साथ कीजिए एंड इसको चैंट कीजिए. अमेजिंग रिजल्ट है इसके, अमेजिंग. आप इसको यूज कीजिए और मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा. अगर आपने इसको यूज किया है तो मुझे तब भी बताइए कि आपको इसके रिजल्ट कैसे मिले, कितने मिले, ताकि मेरे जो और लोग जो इन्होंने वीडियो देख रहे हैं उनको भी एक बूस्ट मिल जाए कि ओके वो भी ट्राई करें. तो आप लोगों को मेरी जो मैंने और स्विच वर्ड्स के ऊपर वीडियो बना रखी हैं, आपको नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा. बहुत ही अमेजिंग वीडियोस है और स्विच वर्ड्स मैंने जो शेयर किए हैं कम ही मैं शेयर करती हूँ, लेकिन वही वाले शेयर करती हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है एंड मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ कॉमेंट मी एंड टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. आर यू गेटिंग बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज़? आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं? लाइक करें, डिसलाइक करें, मुझे लेकिन कुछ बताएं कि आपको कैसे लगती है मेरी वीडियो. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके. एंड प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, कॉमेंट ज़रूर करें. बिकॉज देख के आप चले जाते हैं, मुझे नहीं पता चलता कि नो क्या आपको रिस्पांस मिला उस वीडियो से. कुछ भी अगर बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर करें. एंड ये ज़रूर अगर आपको ये सिचुएशन कभी ऐसी आती है इस सिचुएशन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आप मुझे आई एम श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इससे बेनिफिट मिला. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ लवली डे अहेड एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग. बाय बाय.